हम समझाने का प्रयास करेंगे कि सरलता में विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध। पहला जो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसको हम शुरुआत करके करते हैं 28 जून 1914। ऑस्ट्रेलिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी और ड्यू फ्रांस फ्लोरिडस की जो बेसनिया में एक सर्बियाई ने गोली मार दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। जो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को दोषी माना और 48 घंटे के भीतर उन्हें पक्ष रखने को जो कहा था जिसे नजरअंदाज कर दिया गया, वही जो 28 जुलाई 1914 को पहला वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। सर्बिया के पक्ष में रशिया आ गया जो दो गुट में उसमें बट गया, यानी पहला गुट जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया एक पक्ष, दूसरा पक्ष हुआ ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और जापान। यह युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक लड़ाई छिड़ा, जिसमें मौत 90 लाख की मौत हुई थी, जिसमें पब्लिक 50 लाख मारे गए थे। जब जर्मनी के आक्रमण के साथ ही ये विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ये पहला विश्व युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध के बारे में बताते हैं। 1 सितंबर 1939 से शुरू 2 सितंबर 1945 तक लगातार जो युद्ध होता रहा, जिसमें मौत 10 करोड़ के आसपास, जिसमें पब्लिक 7.8 लाख लोग मारे गए। इस युद्ध में भारतीय सेना ने भी ब्रिटेन के सेना के तौर पर भाग लिया था। दोस्तों, ये जो अभी जो वर्तमान स्थिति है, आशंका के तीसरा विश्व युद्ध होगा, क्या होगा भविष्य तय करेगा। जय हिंद।